पुरनी परिवार का कोई बंदा जिंदा है, आपका रिनीर है। पुरनी में पैदा हुए ठाकुर राजनारायण सिंह को राजू भैया के नाम से जानते थे। अगर राजनारायण सिंह पुरनी बनाया तो वो किलो ब्लॉक के लोगों ने बनाया। वो 85 का दौर हो या 84 का हो या 98 का दौर हो या 2003 का दौर हो, कांग्रेस का अगर विधायक बना तो यहां से बना, और कुछ दिन पहले ये भी बने थे तो वो भी यहीं से बने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग ने हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, कांग्रेस का विधायक बनाया, और वो लोग जिन लोगों ने आपके मान सम्मान के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता के मान सम्मान के साथ, मानदाता की जनता के साथ धोखा किया है, उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। यह चुनाव बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का नहीं, यह चुनाव ऐसे लोगों का है जिन्हें जनादेश को खंडित किया है, उनको सबक सिखाने का चुनाव है। मैं गांव गांव, आपका ब्लॉक छूट गया है, 28 और 29 तारीख को मैं आपके एक एक घर जाऊंगा। पुनासा में एक एक घर जा चुका हूं, और लोगों की जो पीड़ा है, वो पीड़ा जो मैंने देखी है, कमल पटेल जी हो, शिवराज सिंह जी भी आ रहे हैं, और भी बड़े नेता आ गए, वोट नहीं मिले, यहां से तकलीफ है लोगों को, यहां से तकलीफ है। गांव में जाते महिला बोलती, तुमके बिकने तो नहीं है, कहीं तुम दल बदलू तो नहीं। ये बात लोग उठाते हैं जब हम गांव में जाते कि टपरी में जाते हैं, विधायक ये स्तर पे लाके खड़ा कर दिया, या विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह जैसे रहे हैं, लोकेन सिंह जैसे रहे हैं, राणा रघुराज सिंह जैसे रहे हैं, जिनको मान सम्मान से आदमी देखता था, इज्जत करता था, पार्टी कोई भी हो, ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी जबकि लोग ब्लॉक से लालपुर साहब को जिता के विधायक बनाया था। सरकार चली गई थी, आप विधायक तो थे, जनता का मान सम्मान आपने खत्म किया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। कोई भी आए, कमल पटेल पैसे बांटे ले लो, उसका लड़का बांटे ले लो, आपका ही पैसा है, किलो ब्लॉक ने ही पैसा उसको दिलाया है, यहां से अगर नहीं जीतता तो मिलता कहां से। लो, वो लेना चाहिए। वो क्या सोच रहे हैं कि किलो ब्लॉक का है मानदाता के कोई जनता बिकाऊ है, उनके जैसे बिकाऊ नहीं है, पर अगर दे रहे तो लेना चाहिए, तो मेहनत का नहीं है, अपने ही है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव उत्तम पाल सिंह का भविष्य का नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भविष्य का चुनाव है, और जिनको दिल पे लगी है उनका चुनाव। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 3 तारीख को जब पंजे की बटन दबाएं, ऐसे दबाएं कि ऐसे लोगों का इलाज करने के, मैं बोलना चाहता हूं, नर्मदा जी यहां से बहती है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहां है, सिंगा महाराज का स्थान यहां है, जो गलत काम करता है उसको जवाब भी नहीं देना है, हिसाब भी यही देना है। और उनासा के लोगों ने तो मन बना लिया, आपका तो मन पहले से ही है, पर बहुत मजबूती से, अगर 5,000 के लीडर 10,000 के लीड करो, क्योंकि ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने का समय है ये, कि आगे चल के कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि ऐसा काम